myopia. In old age, due to ciliary muscles becoming weak and the eye lens becoming inflexible or rigid, the eye loses its power of accommodation. Old age भी जब मनुष्य का बुढ़ापा आता है तो उसके ciliary muscles जो होते हैं आई में वो कमजोर हो जाते हैं, becoming weak. And the eye lens becoming inflexible or rigid. और eye lens जो होते हैं वो inflexible हो जाते हैं, that means rigid हो जाते हैं. And eye loses its power of accommodation. और eye जो है वो अपना power of accommodation lose कर देता है. Because of this, an old person can't see the nearby objects clearly. This leads to the defect called presbyopia. और जिसके चलते ओल्ड पर्सन जो है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखने में सहज महसूस नहीं करते हैं, आसानी से नहीं देख पाते हैं, और जिसको कहते हैं हम लोग क्या, प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कांट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई. एक्चुअली प्रेसबायोपिया इज ए स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. वास्तव में प्रेसबायोपिया जो है एक स्पेशल तरह का हाइपरमेट्रोपिया है, ए स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. वी कैन कॉल इट ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, इसे हम लोग ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं. एंड प्रेसबायोपिया डिफेक्ट इज करेक्टेड इन द सेम वे एज हाइपरमेट्रोपिया बाई यूजिंग स्पेक्टिकल्स having convex lenses. और प्रेसबायोपिया में जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसे करेक्शन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द सेम पर्सन हैज बोथ द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पर्सन को दोनों तरह का डिफेक्ट्स ऑफ विजन हो, मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया. एक ही पर्सन को आपको मायोपिया भी हो जाएगा और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाएगा. ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया यूजेज स्पेक्टेकल्स हैविंग बाईफोकल लेंसेज, और वैसे व्यक्ति जिन्हें कि मायोपिया भी हो जा रहा है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जा रहा है तो वैसा व्यक्ति को यूज करना पड़ता है बाईफोकल लेंसेज. इन विच अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव लेंस, जिसमें कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्पेक्टेकल्स का वो होता है कॉन्केव लेंस का, फॉर डिस्टेंट विजन. टू करेक्ट मायोपिया, जिससे कि मायोपिया करेक्ट हो और दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे. एंड यूज फॉर डिस्टेंट विजन एंड द लोअर पावर कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसकी मदद से जो कि कॉन्वेक्स लेंस से बनता है, जो कि यूज करता होता है किसमें, नजदीक की वस्तुओं को सही ढंग से पढ़ने के लिए, दैट इज फॉर रीडिंग. टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है. एक ही लेंस में आपको नीचे वाला कॉन्वेक्स लेंस और ऊपर वाला क्या रहेगा, कॉन्केव लेंस रहता है. यूज्ड फॉर रीडिंग पर्पसेज, जो कि रीडिंग पर्पस से यूज किया जाता है.